अभी मुझे आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है, एक नहीं दो दो खुशखबरी। तो एक अभी करूंगी मैं, तो होगी। मेरी छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है। तो जो पूजा की शादी है वो जल्दी होगी। और इसकी तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, बढ़िया तो नहीं हूँ पर थोड़ा ठीक ही हूँ, दिख रही होंगी आपको। थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, बुखार आ रहे हैं कल से मुझे, तो ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो अभी जा रही हूँ मैं खेत में, तो अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी 7:30 बजे, तो अभी टाइम भी 8:30 बज गया है और मेरी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। तो पूजा, मैं घर पे थे, पूजा ने खाना वगैरह बनाया और अभी जा रहे हैं हम खेत में। तो मायके से व्लॉग बना रही हूँ मैं, अभी ससुराल नहीं गई, एक दो दिन में जाऊँगी। मैंने सोचा था बारिश होगी तो जल्दी जाऊँगी, अभी बारिश तो हुई नहीं, क्या ही जाना है अभी उधर भी, तो 2-3 दिन में जाऊँगी। तो अभी हमारे खेत में हो रही है रोपाई, दिखाती हूँ आप लोगों को। दीदी जी भी चली गई है, आपने देखा ही होगा कल वाले ब्लॉग में। तो अजीब सा लग रहा है घर में, एकदम सुनसान, सिद्धि के बिना तो सिद्धि लगी रहती थी सबके साथ, तो उसके साथ अच्छा ही लगता था, तो वो चली गई, एकदम बेकार सा लग रहा है। तो अभी पूजा ने मेरे पास कुदाली दी है और जो नीचे नीचे मतलब मेंढी बोलते हैं वहाँ पे कोदा लगाते हैं, मतलब मंडवा, तो मंडवा लेके आती हूँ मैं ऊपर वाले खेत से, तो थोड़ा बहुत लगाते ही है, नहीं तो उनमें कबाड़ हो जाता है। तो यहाँ से कोदा ले जाती हूँ थोड़ा बहुत, देवख्या शिवम उधर लगे हैं खेत तैयार करने में, तो मैं भी चलती हूँ। यहाँ से ले जाना है मुझे मंडवा, तो यहाँ भी एकदम कम जम रखा है, बारिश तो हुई नहीं इस वजह से यहाँ बहुत ही थोड़ा है, तो यही ले जाना पड़ेगा मुझे ऐसे ही। तो उस वाले खेत में लग रही है हमारी रोपाई, तो आज आधा ही खेत में हुई रोपाई, क्योंकि पानी यहाँ पे एक डिग्गी बना रखी है, तो थोड़ा ही था पानी, तो इतना ही हुआ पानी, और उधर आगे कल या परसों लगेगी। तो ये हमारा लास्ट खेत है, तो रोपाई भी ख़त्म हो जाएगी, वो तो थोड़ा ही बहुत है, वो कल हो जाएगा। तो यहाँ पे देव के पूजा शिवम पापा है, तो यहाँ पे तीनों लगे हैं, आज हम तीनों ही चारों ही रोपाई करेंगे। तो अभी यहाँ से कोदा ले जाती हूँ मैं, थोड़ा बहुत जो भी है, वैसे एकदम सूखा हो रखा है, सूखा पड़ रखा है। तो यहाँ पे हमारी ये हल्दा हो रखा है, हल्दी काफ़ी अच्छी आ रखी है हल्दी, तो यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग। अभी ऊपर वाले खेत में चलती हूँ, तो यहाँ से ले जाती हूँ मैं थोड़ा सा मंडवा, और यहाँ पे हो रखे हमारे गोभी के फूल, तो एकदम अच्छे वाले फूल बन गए हैं आजकल सब्जियों के लिए, ऐसे कुछ हो रखे हैं। तो हमारा पदोनी भी आ गया है, तो इसका नाम हमने पदोनी रखा। तो अभी हमने इतना खेत रोप दिया है, तो भाभी जी आ रखे हैं हमारे साथ रोपाई करने के लिए, और हम तीनों बहन हैं और मम्मी रोप रही है, पापा जी घर चले गए हैं। तो इतना खेत रोप दिया हमने, तो इतना रह गया है, उतना हम अगले दिन करेंगे जब पानी हो जाएगा, इस बार तो बारिश तो हो नहीं रही है, इसलिए आधा आधा करके लगाना पड़ रहा है, तो उधर का पता नहीं कब करेंगे। तो अभी मम्मी घर जा रही है, देखिए पीछे आप लोग चाय के लिए, तो अभी जल्दी जल्दी करते हैं रोपाई।
अभी हमने पूरे खेत की रुपाई भी कर दी है। तो यहाँ पे मम्मी चाय ला रखी है, मम्मी ने तो चाय पी दे हम लोग, उसके बाद हम घर चलते हैं। गुड़ दिमाग तो अभी मैं खेत से भी घर आ गई हूँ। तो थोड़ी देर हमने फोन चलाया और देव की और पूजा भी फोन चला रही, एक बाहर बैठी है एक यहाँ पे अंदर पे बैठ रखी है। और दिन में इनका यही काम रहता है फोन चलाने का। मेरे तो सर में दर्द हो रहा फोन देख देख के, इस वजह से मैंने तो फोन बंद कर दिया। तो ब्लॉग बना रही हूँ मैं, तो अभी घर आ गए। टाइम भी कितना हुआ देर की, 11:30 हो गया है। तो थोड़ी देर में हम चलते हैं खाना खाने, क्योंकि सुबह को जल्दी खा लेते हैं आजकल खाना, 7 बजे तक खा लेते हैं। तो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम आराम करते हैं। तो अभी मुझे आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है। एक नहीं तो मेरी छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है, तो यही खुशखबरी थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और उसको आर्मी वाला लड़का मिला है। तो काफ़ी खुशी की बात है कि मेरी सिस्टर का रिश्ता पक्का हो गया है। तो बहुत जल्दी उसकी शादी भी होगी, तो देवकी की शादी से पहले पूजा की शादी होगी शायद, अब मुझे यही लग रहा है। तो एक खुशखबरी ये थी, तो मुझे काफ़ी मतलब खुशी हो रही है कि पूजा का रिश्ता पक्का हो गया और इसकी शादी है। और दूसरी खुशखबरी क्या है, ये ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, तो जल्दी आपको दूसरी खुशखबरी भी मिल जाएगी। तो जो पूजा की शादी है वो जल्दी होगी और इसकी शादी हम मंदिर में करवाएंगे, है ना पूजा? यस यस बिल्कुल। तो पूजा की शादी हम मंदिर में करवाएंगे। तो पूजा की लव मैरिज थी, तो इसने घर बोला और हमने इसका मतलब घर वालों ने भी मतलब हाँ बोल दिया, तो पूजा की शादी है। तो यही कहना था। तो दूसरी खुशखबरी क्या है, ब्लॉग में बनी रहिए, आप सबको पता चल जाएगा। बात तो ये है कि पापा को भी लड़का पसंद आ गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पापा को भी लड़का पसंद आ गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। तो आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। तो कुर्ता तो मैंने परसों सिल दिया था, यहाँ पे एक देव की पैंट की कटिंग कर रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको मतलब कैसे करते हैं, परसों तो टाइम नहीं लगा तो आज ही कर रहे हैं। तो मुझे पैंट की कटिंग नहीं आती है, मैं तो भूल गई हूँ, तो इसी से देख के देख लेती हूँ। तो इसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि मशीन रेगुलर निकालती तो ध्यान में रहता। तो जब से ये सिलाई सीख के आई तब से इसने मशीन नहीं निकाली, तो आज मतलब आज कटिंग कर रही है पैंट की, जब से सीखी है। तो देखते हैं कैसे काट पाती है। नहीं देव की चाल काट जल्दी से। तो यहाँ पे पूजा हमारे लिए टॉफी निकाल रही है, तो देखते हैं कितनी टॉफी है पूजा के पास, दिखाना पूजा कितनी सारी है। तो यहाँ पे पूजा ने एक थैला भर के टॉफी छिपा के रखी है, मुझे भी देना है एक। कहाँ से आई ये टॉफी? मार्केट से बनी है। किन्होंने भेजी? तो ये दी ने दी थी और इसने पूरा पैकेट अपने पास संभाल के रख दिया, इतनी चोर है ये पूजा। देवकी ने मेरे को भी दी है टॉफी। वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं 3:42 से। तो अभी हम सो के उठ गए हैं, थोड़ी देर सोए रहे, आज इतनी ताज़ा गर्मी हो रही है ना, क्या ही बताई। कल तक मौसम ठीक था, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस वजह से नींद भी नहीं आई।
तो अभी हम लोग उठ गए हैं, देखिए यहाँ पे सो ही रखे हैं, तो इसको कुछ ज़्यादा ही नींद आती है, तो हम तो नहीं सोए, हम तो उठ गए थे पूजा में। अभी हम लोग यहाँ पे पूजा भी हमारे शिकंजी ला रही है, नींबू पानी बोलते हैं जिसको, तो अभी नीम पानी पी लेते हैं, चाय के बदले नीम पानी पीना चाहिए, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो अभी शिकंजी भी बना दिया है शिवम ने, पतीली में बनाई तो दिखाती हूँ मैं। तो इसमें इसने डाला है नींबू और थोड़ा सा इसमें चीनी और नमक भी डाला शिवम दो ने, और नमक, और ये पेट के लिए इतना अच्छा होता है ना आजकल, आहा क्या ही बताए। तो यहाँ पे देव की बोतल में पी रही है, देव की बोतल में पलटते हुए क्यों डाल रहे है, देव की बोतल में क्यों डाल रहे है, इसमें अच्छा होगा पीने के लिए, इजी इजी सुसीजी। बोतल में ज्यादा लगेगा इसलिए पी रही हूँ मैं बोतल में। अभी पीते हैं पूजा चेस। तो अभी मैंने पैंट भी सिल दी है अपनी, कुर्ती और पैंट बना दी है, तो अभी मैंने अपना पुराना गाउन पहना है, तो कुछ ऐसा था मेहंदी के लिए मंगा रखा था, तो आज भी एकदम फिट आ रहा है, तो एक दो फोटो इसमें क्लिक करवा लेती हूँ। तो पूजा ने ये अंगूठी भी पहनवाई मुझे कि तू ये पहन, ये इयररिंग भी पहना है इतने बड़े बड़े, और ये वाले अंगूठी भी पहना है इसने, ये तो बहुत चुभ रही है यहाँ से, तो एक दो फोटो खींच लेती हूँ। तो कैसा है गाउन कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो अच्छा नहीं लगा उस टाइम, दूसरा लेके आई थी मैं मेहंदी के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसे लग। पूजा ने देखो आज मेरे हेयर स्टाइल कैसे बना रखे है, फ्रंट चोटी बोल के उसने ऐसी ऐसी कम तैसे कर दी मेरे बालों की, क्या ही बोले। तो ये सूट भी बन के तैयार होगी है, तो पैंट भी सिल दिया, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाई है मैंने पैंट। तो ये कुछ ऐसे पैंट बनी है, तो काफ़ी अच्छी बनी है, कटिंग तो देवगी ने कही थी पर सिल मैंने थी, और काफ़ी टाइम बाद भी सिली, वैसे अच्छी बनी है, कहा दियो तू तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बनी है। तो कुछ ऐसे बनी है पैंट और कुर्ती, तो पहली बार बना रही हूँ मैं सेट के साथ, मतलब ऐसे मैम ऐसे ही पहनती थी, तो पहली बार बनाई मैंने ऐसे पैंट और कुर्ती, तो ज़रूर बताना कैसे बना रखी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी मैं, क्या ही बनाना है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक खुशखबरी आपको जल्द से जल्द मिलेगी, तो वो क्या है अगले ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी मैं वो खुशखबरी क्या है। तो मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो वो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, तो मुझे सपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।